ये लीजिए शहजादे। हर तरफ सिपाही हैं, हम बच के नहीं निकल सकते। हम तरबियतगाह की तरफ से जाएंगे, चलो। जो हुक्म शहजादे। हाँ तो मेरे बहादुरों, तो फिर देखें तुम्हारी तलवारों की महारत। चलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें। घोड़े वहीं हैं, चलो। ध्यान से शहजादे। हाँ तो देख ली मैंने आप लोगों की महारत, बहुत खूब। तो चले अब तीरंदाजी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए मेरे साथ, आ जाए। फातिमा खातून। हाँ? अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा? क्या शहजादे अलाउद्दीन और गौंजा को मार देंगे? गाजी ऐसे क्यों कह रहे हो, किसी को कुछ नहीं होगा, समझे? मुझे यकीन है कि अलाउद्दीन भाई रास्ता निकाल लेंगे। अब इन बातों को भूल जाओ, ठीक है? तरबियत पे ध्यान दो, जंग करीब है ना? ठीक है। रुको, तुम यहां क्या कर रहे हो? रुको यहीं। अब रास्ता साफ है। गाजी सिपाहियों को जाकर बताओ वो भाग रहे हैं। जी ठीक है। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? हाँ छोड़ो, पीछे हट जाओ। आप गलत जगह और गलत वक्त पर आई हैं फातिमा खातून। तुम नहीं भाग सकते यहाँ से। छोड़ दो फातिमा खातून को, ये क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ वहीं, अगर कोई करीब आया तो फातिमा मारी जाएगी। जाने दो हमें, नहीं तो फातिमा खातून अपनी जान से जाएगी। हट जाओ, जाने दो हमें, चलो। जब उस्मान साहब को पता चलेगा तो तुम्हें कौन बचाएगा मेहमत सरदार? जब गर्मियान के सिपाही दोबारा से बढ़ जाएंगे तो उस्मान खुद को भी नहीं बचा पाएगा। चलो। फितनात, जब हम यहां से निकल जाएं तो फातिमा को छोड़ देना, चलो। सिपाहियों पीछे जाओ इनके। गद्दार, हो। अब हम क्या करेंगे शहजादे? हम पहले बाजार जाएंगे, फिर अलाउद्दीन को तलाश करेंगे। मैं उसे और गोंजा को अपने हाथों से मार डालूंगा। चलो, उससे पहले हमें उस्मान के सिपाहियों से जान छुड़ानी है। चलो जाओ। हम जंगल से जाएंगे और सिपाहियों को गुमराह करेंगे गायोमास। चलो चले। जो कुम शहजादे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। इस औरत को जिंदान में डाल दो फौरन, जल्दी। छोड़ो, छोड़ो। जल्दी क्या है गद्दार, अभी मेरा हिसाब रहता है। फातिमा हूं मैं, याद रखना। छोड़ दो मुझे। सरदार को आगाह करो, मेहमत फरार हो चुका है।
इंसाफ होने से पहले उन्होंने अपना फैसला खुद सुना दिया। इंशाल्लाह कोई वाकया होने से पहले ही वो उन्हें रोक लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब मैंने आपसे कहा था इस मामले को अदालत में हल करेंगे, फिर इस हरकत का क्या जवाब बनता है? अब भरोसे के काबिल नहीं तुम लोग। हमें भी तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम खामोश खड़े नहीं रहेंगे। मेहमत ने उस्मान सरदार के खिलाफ कुछ करने का सोचा तो एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लें, तुम लोग उसकी कीमत अदा करोगे। हमने जो कीमत अदा करनी थी कर चुके हैं। ले जाओ इन्हें। इन लोगों पर नजरें जमाए रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे हाईकोर्ट? जो हुक्म जनाब।